हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार जुडिशरी मेंस में शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप मेरी काफ़ी सारी क्लासेस फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ये रेफरल कोड यूज़ करें, जिससे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा और साथ के साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। तो चलिए मूव ऑन टू द टॉपिक नाउ। सो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही इस लेक्चर को देख सकते हैं आराम से। हम डिस्कस कर रहे हैं आज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी मतलब डॉक्ट्राइन इज बेसिकली मेथड ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी होता क्या है। काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी होती क्या। सी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या कहता है कि जो भी स्टेट है, स्टेट बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट है या अदर बॉडीज है जो आप आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं, स्टेट जो है शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट ऐसा कोई भी कानून पास नहीं करेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहा है, कर्टेल कर रहा है या अवे कर रहा है, ले रहा है आपसे। एंड अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है इन कॉन्ट्रावेंशन टू आर्टिकल 13 क्लोज 2, देन दैट पर्टिकुलर लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, जो आपके आर्टिकल 13 क्लोज 2 में जो लिखा हुआ है मैं वो रीड कर रहा हूँ, एक बार उसको देख लीजिएगा आप। नाउ ये जो वर्ड है लास्ट में टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। सी फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लॉ है आपके पास, ठीक है, ये एक कंप्लीट लॉ है आपके पास, दिस इज ए कंप्लीट लॉ, ठीक है, इसके अंदर पूरा आपका जो कानून है वो लिखा गया है, कोई भी एक्स वाई जेड एक्ट मान लीजिए इसको। नाउ दिस पर्टिकुलर लॉ का जो एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये जो प्रोविजन है इस लॉ का, ये जो प्रोविजन है ये इन कॉन्ट्रावेंशन है किसके, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब दो ऑप्शंस आपके पास, या तो ये जो पूरा एक्ट आपने बनाया था पूरा लॉ, या तो इस पूरे लॉ को आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए जो डिफेक्टिव पोर्शन है, जो ये एक प्रोविजन है जो कॉन्ट्रावेंशन में, आप इस प्रोविजन को उठा के फेंक दीजिए, सिर्फ इस प्रोविजन को आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए और इस प्रोविजन को आप सेपरेट कर दीजिए, सीवर कर दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए, मतलब इस पूरे एक्ट में से इस प्रोविजन को आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द एक्ट तो आपका बिल्कुल सही है लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन था ये गलत था, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी है वो इसी को कहा जाता है कि कोई भी एक ऐसा ऑफेंडिंग प्रोविजन जिसको आप सेपरेट कर सकते हो उस एक्ट में से, उस पर्टिकुलर लॉ में से, तो आप उसको सेपरेट कर दीजिए ताकि जो पूरा एक्ट है वो बचा रहे और जो एक ऐसा प्रोविजन जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन टू आर्टिकल 13 क्लोज 2 जा रहा है उसको आप सेपरेटली उठा के फेंक दीजिए, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा एक्ट है वो बचा रहेगा और जो एक आप कह सकते हैं डिफेक्टिव पार्ट है या एक ऐसा पोर्शन जो है या ऐसा एक प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप वॉइड डिक्लेयर करके पूरे एंटायर स्टैट्यूट को आप बचाने का काम कर सकते हैं। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। इसके ऊपर कुछ केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनके ऊपर भी डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी होता क्या है। तो लिख लीजिए दो लाइनों में, लिखिए बेसिकली इट मींस
दैट इफ एन ऑफेंड if an offending provision can be separated, if an offending provision can be separated from that which is constitutional, then only that part which is offending is to be declared void and not the entire statute. So this is the basic meaning of doctrine of severability or separability. Mains में आता है, short note में. अब इसके ऊपर मैं कुछ case लो आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूँ. देखिए इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा केस है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. एक केस है आपका RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है इसके ऊपर. ये आपका 1957 का केस है, 1957 सुप्रीम कोर्ट. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, आप कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेवरेबिलिटी है जो डॉक्ट्राइन है, उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले तो आप लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन रही है उस चीज़ को आप फाइंड आउट करें. दूसरा ये है कि अगर वो जो प्रोविजन है अगर सेपरेबल नहीं है, उस एक्ट में से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी. अगर उस प्रोविजन को सेपरेट किया जा सकता है देन डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होगी. तो फर्स्ट केस आपका RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज योर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. ये भी बड़ा अच्छा केस है, इसके अंदर भी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के ऊपर जिक्र हुआ. 1951 सुप्रीम कोर्ट का केस है. देखिए इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस इन कॉन्ट्रावेंशन टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 थे. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करके जो एक प्रोविजन है जो इन कॉन्ट्रावेंशन है उसको आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यूट, बाकी जो पूरा स्टैट्यूट है, बाकी जो पूरा आपका लॉ है उसको एज इट इज रखा जा सकता है. अनदर केस जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सबका भी फेवरेट है, ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का ये केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये आपका. 1950 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का. इस केस में हुआ क्या था, बेसिकली आर्टिकल 13 को ध्यान में रखते हुए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, एक आपका एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन 14 जो था वो वॉयलेटिव था जो आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए आपको आर्टिकल 22 के अंदर, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक्ट था वो वैलिड था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था उस पूरे एक्ट का, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उस सेक्शन को वहां से निकाल के स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बट रेस्ट ऑफ द एक्ट को वैलिड डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा एक्ट सही है, बस एक सेक्शन आपका गलत था, उसको हम यहाँ पे स्ट्रक डाउन करें, उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं. नाउ इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था आपका, वो था मिनर्वा मिल्स. ये भी बड़ा लीडिंग और बड़ा फेमस केस है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. ये आपका 1980 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. आप सबको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसके कुछ प्रोविजंस थे जिनको यहाँ पे चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया कुछ प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का था, उन सेक्शंस को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करने के बावजूद उनको हम साथ में अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो एक्ट है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को अप्लाई करने का काम किया.
नाउ एक चीज याद रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। मोर डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। स्टेट ऑफ बॉम्बे एफ एन बलसारा, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक लाइन में कहना चाहूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज आप सेपरेट कर सकते हो उस पूरे एंटायर एक्ट में से जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको आप सेपरेट कर दीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। एक पेज है आपके पास, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो उसके ऊपर, अगर आपने एक लाइन गलत लिख दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाइन जो आपने लिखी है सारी की सारी गलत है। सिर्फ एक लाइन को आप वहां से कट कर दीजिए, रेस्ट ऑफ दी आपकी जो नोट्स है वो प्रॉपर है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। ठीक है, जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में अदर जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, रेस्ट ऑफ दी डॉक्ट्रिन्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लीगल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।